एसएससी अड्डा पे। गुड इवनिंग, हम लोग जीएस का रैपिड फायर करने वाले हैं और रैपिड फायर में बारी बारी से क्वेश्चंस आते जाएंगे और आपको जल्दी जल्दी आंसर करना है। तो सभी लोग जल्दी जल्दी रेडी हो जाइए कि आप आंसर्स करेंगे, तेजी से करेंगे, तभी तो भैया जीएस रैपिड फायर का कोई मतलब रह जाएगा। और जीएस रैपिड फायर की तरह ही आपको रैपिड फायर तरीके से इस बैच से भी जुड़ जाना है। ये बैच आपको मेरे रेफरल कोड Y182 से मैक्सिमम डिस्काउंट पे मिलेगा। ये रेलवे का बैच भैया आपके 10 अगस्त को शुरू हो रहा है। एसएससी सीजीएल सीपीओ सीएचएसएल स्टेनोग्राफर के लिए भी बैच शुरू हो रहा है। तो मेरे रेफरल कोड का उपयोग करिए और मैक्सिमम डिस्काउंट पाइए, किसी भी कोड की अपेक्षा ज्यादा डिस्काउंट पाइए। क्लियर है? तो भैया बिल्कुल सुनील राजौरिया मैं आपके साथ जुड़ गया हूँ और महापैक भी है आपके लिए, तो भैया इसको भी आप ध्यान दीजिएगा, ठीक है? और चलो शुरुआत करते हैं आपके सेशन की। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लाया जाए दोस्त। उससे पहले ये जो रक्षाबंधन का खास ऑफर है वो एकदम ध्यान रखना कि adda247store.com पे जाने पे adda247.com पे आपको मेरे रेफरल कोड से ये जो है आपको कितना परसेंट ऑफ, इतना ऑफ मिलेगा। पहला क्वेश्चन, सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? बहुत तेजी के साथ जुड़ना है, आंसर करना है, रैपिड फायर है, वो बार बार सोच सोच के आंसर नहीं देना है। तो भैया सांची का स्तूप अशोक ने, सांची का स्तूप किसने बनवाया था भैया? तो अशोक ने बनवाया था। अगला क्वेश्चन भैया चलिए, तो भगवान बुद्ध ने अंतिम महापरिपर्व निर्वाण में कहां सांस ली थी, मतलब महात्मा बुद्ध की मृत्यु कहां हुई थी? तो सभी को याद है कुशीनगर में हुई थी। किसी नगर है, कुशीनगर कहां पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है, देवरिया। क्लियर है ना? उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के पास कुशीनगर पड़ता है, जहां 483 बीसी में महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई थी। क्लियर है? अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये रहा, हर्षवर्धन द्वारा पराजित किया गया था। हर्षवर्धन किसके द्वारा पराजित किया गया था? तो भैया पुलकेसिन दिति के द्वारा, पुलकेसिन दिति के द्वारा। रुकना नहीं है, कमेंट तेजी से करते हुए आंसर करना है, जीएस का रैपिड फायर है भाई। जन्म दर में अचानक कमी आएगी, कब भैया? जब कोरोना फैल जाएगा तो कमी आ ही जाएगी, क्यों? सही कह रहे हैं कि नहीं? तो बताना मेरे दोस्तों, जन्म दर में अचानक कमी आएगी भैया, जन्म दर में अचानक कमी आएगी तो प्रति व्यक्ति आय में ललन टाप वृद्धि हो जाएगी। अब जन्म ही लेंगे 10 लोग तो जो इकोनॉमी है वो तो रहेगी ही ना, वो सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी मस्त तरीके से। अगला, निम्नलिखित में से कौन भक्ति पंथ का समर्थक नहीं है? भैया जैसे कि हम लोग जानते हैं तुकाराम, त्यागराज, वल्लभाचार्य, ये लोग हैं, जबकि नागार्जुन भक्ति पंथ नहीं दोस्त, ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड, बौद्ध दर्शन से संबंधित व्यक्ति हैं। किससे संबंधित है? बौद्ध दर्शन से। अगला क्वेश्चन, किसके शासन काल के दौरान मुगल चित्रकला का विकास हुआ? जहां तक हम लोग जानते हैं शाहजहां कुछ विकास उकास तो किया नहीं, औरंगजेब, शाहजहां ने भैया ये तो वास्तुकला का विकास किया था, वास्तुकला इन द सेंस की बिल्डिंग का विकास किया था, यही ना? इसके समय तो बिल्डिंग्स का विकास हुआ था, अकबर के समय साहित्य का विकास हुआ था। तो एक बार में आंसर हो जाएगा, जहांगीर के समय में हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल, जहांगीर के समय में हुआ था। बहुत बढ़िया, आप लोग भी बड़े तेजी से आंसर कर रहे हो। पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है? ऑप्शन के हिसाब से जाना है, पृथ्वी के सबसे नजदीक का तारा भाई कोई ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, लेकिन हम लोग जानते हैं कौन सा है, प्रॉक्सिमा सेंचुरी। सॉरी दोस्तों, मैंने यहां पे आपको ऑप्शन देने में गलती कर गया हूं, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। अगला क्वेश्चन, सुनामी के कारण उत्पन्न होता है? तो भैया सुनामी किसके कारण उत्पन्न होता है? तो सुनामी समुद्र की लहरें नहीं, समुद्र के अंदर जो भूकंप आता है उसकी वजह से, लहरें भूकंप की वजह से घूमती हैं। क्लियर है ना? थोड़ा नजदीकी ऑप्शन है, बहुत ध्यान से इसका आंसर करना है। अगला क्वेश्चन दोस्त आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन आग्नेय चट्टान है? इग्नीशियस रॉक्स कौन सा है? देखो आंसर वही करेगा जिसे आता होगा, जीएस का रैपिड फायर है ये, वो तो है नहीं कि सोच सोच के आंसर करें। क्लियर है ना? नहीं आ रहा, छोड़ो, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ो और कह दो सर इसका आंसर बेसाल्ट सही है। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, बाल्टिक सागर से उत्तरी समुद्र में शामिल होने वाली नहर कौन सी है? बाल्टिक सागर से उत्तरी समुद्र में, तो भैया कौन आंसर कर रहा है जरा समय एक बार देख लूं। ओहो, गड़बड़ हो रहा है, श्रुति पंडित जी, पिंकी, समीर, करण, वीरेंद्र, देव, पप्पू, लिप्सा, निरंजन, प्रदीप, इसका आंसर होगा कील। क्लियर है? कील सागर। अगला, कौन सी नदी दो बार भूमध्य रेखा को पार करती है? भैया भूमध्य रेखा को जायरे नदी दो बार पार करती है,
अब हम लोग जायरे नदी भी किसको कहते हैं, ये भी कुछ लोग कंफ्यूज होंगे, तो भैया कांगो को, क्लियर है ना, कांगो को हम लोग कहते हैं, क्लियर है, कांगो को कहते हैं। अच्छा, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी कौन सी है, विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी दोस्त, तो याद रखना वांगहो, क्लियर है ना, वांगहो नदी जो है दोस्त, ये विश्व की सबसे विश्वासघाती नदी मानी जाती है। अगला क्वेश्चन ये रहा, प्राथमिक संश्लेष प्रकाश, प्राथमिक प्रकाश संश्लेषक वर्णक है, प्राइमरी फोटोसिंथेटिक पिगमेंट इज, बताइएगा दोस्तों। देखो थोड़ा तेज करा रहा हूं क्योंकि जीएस का रैपिड फायर है, नहीं आ रहा आंसर अगले क्वेश्चन का तुरंत वेट करो, 12वें क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भैया क्लोरोफिल, क्या चीज, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लियर है ना, प्राइमरी संश्लेषण है, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण। अगला, प्रतिरोध की इकाई, प्रतिरोध की इकाई क्या होगी भैया, तो प्रतिरोध मतलब आपके V इक्वल टू आई आर की बात हो रही है, मतलब इसका वोल्ट पर एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर, V इक्वल टू आई आर होता है, तो प्रतिरोध की बात कर रहा है, R इक्वल टू तो V बाई आई हो जाएगा, तो V का हो जाता है वोल्ट हो जाता है, I का एम्पियर हो जाता है, तो वोल्ट प्रति एम्पियर आंसर हो गया। लल्लन टॉप आगे बढ़ जाते हैं, ये लीजिए एक्सरे की धाराएं। अच्छा मैं एक शब्द प्रयोग करता हूं, लल्लन टॉप, जानते हो ये है क्या, एक्चुअली ना मैं एक बार रेडियो पे सुन रहा था यार लल्लन टॉप, तो लल्लन टॉप करके उस पे इलाहाबाद में, ये प्रयागराज में द लल्लन टॉप करके आता है, तब से ये शब्द मुझे रट गया, मुझे बड़ा अच्छा लगता है इसको बोलना। खैर, एक्सरे की धाराएं, एक्सरे की धाराएं क्या है भैया, तो सभी लोगों को पता है कि एक्सरे की जो धाराएं होती हैं वो क्या होती, कमेंट बॉक्स में जुड़ के आंसर करो, धड़ाक से आंसर करो भैया, कमेंट बॉक्स में जुड़ के आंसर करो, तो एक्सरे की धाराएं आपके 14वें क्वेश्चन का आंसर आप करोगे और मैं बता दूंगा इसकी खोज किसने की थी, तो रोटेंजन ने। जरा देखो भैया एक्सरे की धाराओं में कितने लोगों ने आंसर किया है, अच्छा सी ऑप्शन सभी लोग, इलेक्ट्रॉन, कुछ लोग इलेक्ट्रॉन की तरफ जा रहे हैं, ए और सी में कंफ्यूज हैं, भैया इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हो, फोटॉन नहीं कह सकते, क्लियर है ना। अगला, तो न्यूट्रॉन द्वारा खोजा गया था, न्यूट्रॉन किसके द्वारा खोजा गया था भाई, ये क्वेश्चन तो इजी है, समय तो लेना नहीं है, तो चैडविक के द्वारा, ठीक है ना, ईटा पर नाच, आप लोग को याद ही होगा, तो नाच वर्ड जो आता है न्यूट्रॉन, चैडविक पर, प्रोटॉन रदरफोर्ड, ईटा इलेक्ट्रॉन जे जे थॉमसन, ईटा पर नाच, इसके लिए कोड बन जाता है, सबको याद होगा। अगला, NaCl के पास है, भैया Na प्लस होता है, Cl माइनस होता है, इसका मतलब इनके पास आयनिक बॉन्ड है, इनके पास आयनिक बॉन्ड है, क्लियर है ना। चलो अगला क्वेश्चन भैया तेजी से, थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स आपके इस उत्साह के लिए और इतना क्विक आंसर के लिए। सच बताओ तो यार इस समय तो मैं भी जब आपके एज में रहा हूंगा तो इतना क्विक तो नहीं रहा हूंगा जितना आप लोग हो, क्लियर है ना। बॉटनी के रूप में भी जाना जाता है, बॉटनी इज आल्सो नोन एज, बॉटनी को और किस रूप में जाना जाता है दोस्त, बताइएगा। तो भैया बॉटनी को और हम लोग जानते हैं प्लैंटोफाइटा, कहां है, प्लैंटोफाइटा, क्लियर है ना। बॉटनी के पापा कौन है आप लोगों को याद है ना, थ्रियोफेस्टस, ये जो थ्रियोफेस्टस साहब हैं ये पापा जी हैं बॉटनी के, क्लियर है ना। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं, हिप्पोक्रेटस, चिकित्सा शास्त्र के जनक हिप्पोक्रेटस, क्लियर है ना, हिप्पोक्रेटस। और जीव और जंतु विज्ञान के जनक, दोनों जीव विज्ञान पूछे चाहे भैया जंतु विज्ञान पूछे, दोनों के हम लोगों के अरस्तु, जो महान अरस्तु हैं वो। और ये चिकित्सा शास्त्र के जनक, यार ये याद आ गया तो लिख ही दूं, चिकित्सा शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र का कौन है, तो हिप्पोक्रेटस। अगला क्वेश्चन, दूध का खटास के कारण होता है, तो भैया लैक्टोबैलेसिस नाम का बैक्टीरिया शायद मिल जाता है, सही कह रहे हैं कि नहीं, तो दूध का खटास लैक्टोबैलेसिस नाम के बैक्टीरिया के कारण। अगला क्वेश्चन, भारत में राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत है, क्या है भैया राष्ट्रीय आय का प्रमुख स्रोत, जीएस का रैपिड फायर चल रहा है भाई, इसलिए आज धीरे धीरे क्वेश्चन तो नहीं चलेंगे, क्लियर है ना। भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत, निश्चित तौर पे भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत सर्विस सेक्टर, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से भैया क्या है, सर्विस सेक्टर, क्लियर है ना, सर्विस सेक्टर इज द राइट आंसर। मैं अपने कुछ दोस्तों के कमेंट ले लूं, तिवारी नेहा कह रही सर स्क्रीन क्लियर नहीं है, नहीं तिवारी ऐसा नहीं है भाई जी, तिवारी जी। अगला, पर्यटन से उत्पन्न आय को निम्नलिखित में किस स्थान पर रखा जाता है, ये वाला क्वेश्चन तुम लोग भूल गए होगे जबकि मैं पढ़ाया हूं, याद करो दिमाग पे जोर डालो आंसर आ जाएगा। तो भाई उसको हम लोग कहते हैं इनविजिबल एक्सपोर्ट, क्लियर है ना, उसको इनविजिबल एक्सपोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्त, नेक्स्ट, राज्यसभा की निश्चित ताकत क्या है, व्हाट इज द फिक्स्ड स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा,
भैया दिए गए ऑप्शन में निश्चित ताकत तो 250 है, 250 ही सदस्य ना, अलग की बात है कि 245 ही वर्तमान में मौजूद है। अगला क्वेश्चन आसान था, भारत के राष्ट्रपति को आपातकाल की शक्ति प्राप्त है, कितने प्रकार की आपातकाल? तो जहां तक हम लोग जानते हैं एक 352 में है, एक 356 में है राज्यों का, और एक 360 है आर्टिकल, तो तीन ही तो प्राप्त है, तो आंसर बी हो जाएगा, आंसर बी ही हो जाएगा ना। नो सर आपने एग्रीकल्चर पढ़ा है, अच्छा कोई बात नहीं। बाल पेन का आविष्कार किसने किया था, बाल पेन का आविष्कार किसने किया था? ठीक है तो भैया बाल पेन का आविष्कार आपके बीरो ब्रदर्स ने किया है, बीरो ब्रदर्स ने बाल पेन का आविष्कार किया है। नेक्स्ट, सीडी किस आकार की होती है, कॉम्पैक्ट डिस्क। भैया जो कॉम्पैक्ट डिस्क होती है निश्चित तौर पे राउंड शेप की होती है, राउंड शेप की होती है कॉम्पैक्ट डिस्क। आपके मोबाइल और कमेंट मेरे हाथ में है दोस्तों, मैं लगातार लगा हुआ हूं। आशुतोष यादव जी आंसर करिएगा, और भाई एक बार तो अब आपका धर्म बनता है कि 25 क्वेश्चन होने को आ गए तो शेयर हो जाए। मॉडेम किससे जुड़ा रहता है, जो कंप्यूटर का मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर होता है दोस्त, वो किससे जुड़ा रहता है? निश्चित तौर पे वो आपके फोन लाइन से जुड़ा रहता है, फोन लाइन से। क्लियर है? अगला क्वेश्चन, भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी थे। देखो ये नहीं पूछा है कि भारत रत्न कौन पाया, पूछ रहा है भारत रत्न पाने वाले पहले। भैया एक सेकंड जरा होल्ड कर लीजिएगा, भारत रत्न थोड़ा सा यार, पाने वाले पहले विदेशी कौन थे? तो भैया भारत रत्न पाने वाले पहले विदेशी का अगर नाम लोगे तो एक मिनट में हमारे दोस्त आंसर कर देंगे, अब्दुल गफ्फार खान। नेक्स्ट, सार की पहली बैठक, इसका हिंदी वाले से आंसर नहीं करोगे, इंग्लिश वाले से। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द सार्क वाज ओपेंड इन, सार की पहली बैठक कहां हुई थी? क्लियर है ना, सार्क की पहली बैठक कहां हुई थी? तो भाई एक बात याद रखिएगा, जो सार्क की पहली बैठक हुई थी ना, ढाका बांग्लादेश में हुई थी। अगला, पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे, फर्स्ट। अब देखो क्वेश्चन कितने बेहतरीन आ रहे हैं यार, रैपिड फायर है, लेकिन ये पढ़ने के बाद आप अपने एनटीपीसी एसएससी सीएचएसएल की तैयारी का जायजा ले सकते हो। पहले शीतकालीन ओलंपिक खेल आयोजित किए गए थे निश्चित तौर पे दोस्त सैमनिक्स फ्रांस में पहले शीतकालीन ओलंपिक का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट, सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्य हैं। क्लियर है, उन 5 स्थायी सदस्यों का नाम बताइए जिनको दोस्त हम लोग P5 भी कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग Big 5 भी कहते हैं, या इन्हीं को हम लोग वीटो पावर प्राप्त कंट्री भी कहते हैं। अब बताओ वो कौन कौन से हैं? तो निश्चित तौर पे दोस्त चाइना है, फ्रांस है, रसिया है, यूके है, यूएसए, मतलब ए ऑप्शन, पहले ही ऑप्शन करेक्ट है, पहला ही करेक्ट है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन दोस्त आपकी स्क्रीन पे ये रहा, असम राइफल्स का मुख्यालय कहां है? असम राइफल्स का, क्या लैपटॉप चार्ज में नहीं लगा है? क्या चार्ज में तो लगा हुआ है भैया, तो आई होप कि आपको स्क्रीन तो क्लियर दिखनी चाहिए। असम राइफल्स भाई ये एक मात्र ऐसा है जिसका आपका असम राइफल कहां है? शिलोंग। असम राइफल कहां है? शिलोंग। 1835, क्लियर है, 1835 में इसकी स्थापना हो गई थी। चलिएगा अगला क्वेश्चन, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? एशियाई विकास बैंक की बात कर रहा है, क्लियर है ना, एशियाई विकास बैंक की बात कर रहा है निम्नलिखित में से। भैया एशियाई विकास बैंक बहुत आसान है यार, जीएस रैपिड फायर की नाक न कटे, तेजी से आंसर, मनीला। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मनीला। अगला क्वेश्चन, रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति का मुख्यालय है, रेड क्रॉस की जो इंटरनेशनल हेडक्वार्टर है जिसके संस्थापक दोस्त हेनरी ड्यूनट, जिस रेड क्रॉस के संस्थापक है दोस्त, उसका पूछ रहा है कि कहां पे है आपका हेडक्वार्टर। 32वां क्वेश्चन, तो भैया जेनेवा करके आगे बढ़े, बिल्कुल जेनेवा आगे बढ़ते हैं। पेट्रोलियम निर्यातक देशों का संगठन का मुख्यालय कहां है? दोस्त यदि 5 साल शुरुआती छोड़ दो तो उसके बाद जो पेट्रोलियम निर्यातक देशों के संगठन का मुख्यालय है ना, वो ऑस्ट्रिया वियना में मौजूद है। अगला, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय यूएनओ के न्यायाधीशों का चुनाव, मतलब अंतरराष्ट्रीय न्यायालय मतलब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, कितने वर्षों के लिए किया जाता है? तो भैया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में कुल 15 जज होते हैं, और मुख्य जज का तो 3 ही वर्ष, लेकिन आम जजों का 9 वर्ष के लिए होता है। कितने वर्ष के लिए होता है? 9 वर्ष के लिए होता है। अगला क्वेश्चन ये रहा, दुनिया की सबसे लंबी रेल लाइन ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन में है, कहां है ट्रांस साइबेरियन रेल लाइन? भैया वही है जिसकी संसद का नाम ड्यूमा है। एक हिंट मैंने आपको दे दिया, इन 4 ऑप्शन में से वही है, ट्रांस साइबेरियन है जिस देश की संसद का नाम ड्यूमा है।
क्लियर है ना। तो भैया वो और कोई नहीं आपके कौन है, रसिया। क्लियर है ना, रसिया की संसद ड्यूमा है। अगला, महाभारत के कुछ हिस्सों में भगवत गीता शामिल है। द पार्ट ऑफ द महाभारत विच इंक्लूड भगवत गीता इज, महाभारत जो बुक है उसका कुछ ऐसा पार्ट है दोस्त, द पार्ट ऑफ महाभारत विच इंक्लूड भगवत गीता इज। अच्छा अच्छा अच्छा, द पार्ट ऑफ महाभारत, समय पूछ रहा है, समय पूछ रहा है दोस्त, सॉरी फॉर कंफ्यूजन, समय पूछ रहा है। तो 2500 वर्ष पूर्व, क्लियर है ना, मोर देन 2500 ईयर्स ओल्ड। अगला, बॉक्सिंग से जुड़ी जगह है। तो भैया याद रखना, बॉक्सिंग से जुड़ी जगह अमेरिका का यांकी स्टेडियम, ये जो यांकी स्टेडियम है दोस्त ना, ये अमेरिका का बॉक्सिंग से जुड़ा हुआ स्टेडियम है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग दर्शाता है। भैया आजकल अयोध्या में तो भगवा ही भगवा हो गया है, तो एक क्वेश्चन भगवा रंग पे भी आ गया है। अब बताइएगा कि राष्ट्रीय ध्वज में भगवा रंग क्या दर्शाता है। भाई 38वें का बी, करेज एंड सैक्रिफाइस। क्लियर है, करेज एंड सैक्रिफाइस को दर्शाता है दोस्त। अच्छा देखो, जीएस का रैपिड फायर चल रहा है इसलिए तेजी से करवा रहा हूं। सार्क का स्थायी सचिवालय कहां है, ठीक है, वेयर इज द परमानेंट सेक्रेटेरिएट ऑफ द सार्क। सार्क का स्थायी सचिवालय कहां है दोस्त। भैया तेजी से आंसर, तेजी से, जीएस का रैपिड फायर है। मैं इसीलिए बार बार तेजी से करवा रहा हूं, जिसको नहीं आता है अगले क्वेश्चन का वेट करे, और जिसको आता है तुरंत बोले काठमांडू, आगे बढ़ जाइए सर, लेट मत करिए सर। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन, किस नृत्य को गरीब आदमी की कथक कली के रूप में भी जाना जाता है। अच्छा, गरीब आदमी का फल, गरीबों का फल किसे कहा जाता है, गरीब। मैं यहां क्वेश्चन दो गरीबी से कर दे रहा हूं भाई, हम लोग गरीब आदमी, गरीब का फल किसे कहा जाता है, गरीब का सेब किसे कहा जाता है, गरीब का सेब किसे कहा जाता है, सेब। भैया गरीब का सेब अमरूद, गुआवा को कहा जाता है। गरीब का फल किसे कहा जाता है, बेर को कहा जाता है। क्लियर है ना। और गरीब आदमी का कथक कली कौन है भैया, तो गरीब आदमी का कथक कली है ओट्टम थुलल। क्लियर है ना, ओट्टम थुलल। मजेदार क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित संयुक्त राष्ट्र एजेंसी में से किसका मुख्यालय पेरिस में है। थोड़ा तेज दिमाग चलाइएगा और इसका आंसर करिएगा, किसका मुख्यालय पेरिस में भैया। तो एकदम आसानी से आप लोग कहोगे कि सर अगर हम लोग आईएलओ की बात करें तो ये तो सर जेनेवा में स्थित है, अगर सर हम लोग एफएओ की बात कर लें सर ये तो रोम में स्थित है, अगर सर हम लोग इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल की बात कर लें, इंटरनेशनल मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर लें तब तो जेनेवा हो जाएगा सर। क्लियर है, अगर एम से मेट्रोलॉजिकल है तो, और अगर एम से सर मेरी टाइम है, अगर सर इसको एम से मेरी टाइम कर देंगे इंटरनेशनल मेरी टाइम, तब तो सर इसका लंदन हो जाएगा। किसी भी ऑप्शन में ए ऑप्शन यूनेस्को सही रहेगा। क्लियर है ना, आईएमओ से दो हैं, मेट्रोलॉजिकल भी है और मेरी टाइम भी है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, निम्नलिखित में से कौन बार का परमाणु रिएक्टर है। बार का परमाणु रिएक्टर भैया, तो जीएस रैपिड फायर खेल के रात 8 बजे कैसा लगता है दोस्तों, एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। निम्नलिखित में से कौन बार का परमाणु रिएक्टर है। भैया बार का परमाणु रिएक्टर आप सभी लोग जानते हो, अप्सरा, पूर्णिमा, कामिनी या फिर ऑल ऑफ दीज। तो भैया ऑल ऑफ दीज सभी बार के परमाणु रिएक्टर का कार्य करते हैं, ठीक है। सर यू टेक माय नेम, सर्वेश सैनी, भैया लोग तुम्हारा नाम ले लिया, तुम चैनल सब्सक्राइब करो तुरंत है? चलो अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। भैया अग्नि ऐसी है जो जमीन से जमीन करती है, क्योंकि त्रिशूल और आकाश ये दोनों जो है दोस्त जमीन से हवा में आनंद लेती हैं, जमीन से हवा में ये हैं। और दोस्त नाग तो एंटी टैंक मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है जो दागो और भूल जाओ के सिद्धांत पर कार्य करती है। किस पे, फायर एंड फॉरगेट, दागो और लल्लन टॉप भूल जाओ। क्लियर है, जैसे हम लोग अपने सब्जेक्ट भूल जाते हैं, इतनी बार याद दिलाऊं फिर भी। अगला, पीसा की झुकी मीनार गिरती नहीं है। काहे नहीं गिरती है भाई, तो न गिरे हम लोग से क्या मतलब, लेकिन आंसर करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्त द वर्टिकल लाइन थ्रू द सीजी ऑफ द टावर फॉल्स विद इन दिस बेस, उस जो सेंट्रल सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन के माध्यम से लंबवत रेखा टावर इसके बेस में आता है। क्लियर है ना, इसका जो सेंटर ऑफ ग्रेविटेशन है दोस्त वो उसके बेस के अंदर ही आ जाता है, इसलिए नहीं गिरती है, ठीक है ना भाई। देखो रहीस हमारे दोस्त बोल रहे हैं कि सर के लिए एक बार शेयर हो जाए, तो भैया आप लोग एक बार शेयर नहीं करोगे तो मजा कहां से आएगा। प्राथमिक रंग जरा बताओ, प्राथमिक रंग आपके लिए मैं जीएस का रैपिड फायर तेजी से खेलवा रहा हूं।
प्राथमिक रंग कौन से हैं, याद रखना दोस्त, आपके ब्लू ग्रीन और रेड, क्लियर है ना, ब्लू ग्रीन और रेड आपके प्राथमिक रंग हैं। अगला, मानव शरीर का समान तापमान क्या है, बताइएगा, मानव शरीर का समान तापमान, यदि दोस्त मानव शरीर का हम लोग समान तापमान की बात कर लें तो 37 डिग्री सेंटीग्रेड यही होता है, और ये चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन, जब एक अर्धचालक एक बैटरी से जुड़ जाता है, ठीक है, तो इसके माध्यम से बहने वाला प्रवाह मूवमेंट का कारण होता है, ठीक है ना, मूवमेंट किसके मूवमेंट का कारण होता है भैया, तो याद रखिएगा बोथ एन टाइप एंड पी टाइप, क्लियर है ना, दोनों टाइप के कैरियर्स के लिए। अगला, 1 किलोग्राम चीनी खरीदना कहां पर लाभदायक होगा, ठीक है भैया, अगर आप लोग 1 किलोग्राम चीनी एट आप जाकर के कहां खरीदोगे, पोल्स पे, यदि आप पोल पे खरीदोगे तो थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा, क्लियर है, थोड़ा सा बढ़ा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग में सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है, सबसे कम तरंग दैर्ध्य किस विद्युत चुंबकीय तरंग में होता है भैया, तो दिए गए ऑप्शंस में से एक्सरे, क्लियर है। अगला, निम्नलिखित में से किसमें सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है, तो भैया रेडियो वेव में सबसे लंबी तरंग दैर्ध्य होती है। 50 क्वेश्चन पूरे हुए, तो चैनल जो मेरे नए दोस्त हैं वो सब्सक्राइब कर रहे हैं कि नहीं, चैनल सब्सक्राइब हो रहा है कि नहीं, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्त आप लोगों के स्क्रीन पे आने वाला है, तो थोड़ा सा ध्यान देके आंसर करो, ये रहा, रेड ट्रायंगल प्रतीक दर्शाता है, जो रेड ट्रायंगल होता है दोस्त वो किस चीज का प्रतीक दर्शाता है, परिवार नियोजन, फैमिली प्लानिंग को दर्शाता है, ठीक है ना, फैमिली प्लानिंग को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन, एक युवा पुरुष मानव का रक्तचाप भैया 120 से 80 होता है, एक को डायस्टोलिक कहते हैं, एक को सिस्टोलिक कहते हैं, लल्लन टॉप क्वेश्चन खत्म, आगे बढ़ जाओ भाई। पहले एफ्रो एशियाई खेलों का आयोजन किया गया था, एफ्रो एशियाई खेल पूछ रहा है भाई, सभी को मैंने बताया है कि जो पहला एफ्रो एशियाई खेल है वो वही हुआ था जहां चार मीनार स्थित है भारत में, तो हमारा चार मीनार हैदराबाद में स्थित है, ठीक है ना, इसी हैदराबाद में गोलकुंडा की खाने हैं, इसी हैदराबाद में हुसैन सागर झील है, इसी हैदराबाद में चार मीनार है, और इसी हैदराबाद में बहुत मजा है। अगला क्वेश्चन, 1969 में दिया गया पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था, भाई दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको प्राप्त हुआ था, देविकी रानी, देविका रानी को। यदि मैं पूछूं पहला ज्ञानपीठ किसे मिला था, आंसर करो तो जरा, पहला ज्ञानपीठ किसे मिला था आपको पता है, तो भैया एकदम जी शंकर कुरूप जी को, क्लियर है ना, जी शंकर कुरूप जी, क्लियर है, जी शंकर कुरूप, क्लियर है, जी शंकर कुरूप जी को, चलिएगा। और अगर आपसे पूछ दिया जाता पहला बोरलाग प्राइज, तो एमएस स्वामीनाथन को मिला है। अगला क्वेश्चन, किसी देश की पहली महिला प्रधानमंत्री थी, अच्छा दोस्त जितने लोग मेरे साथ रेगुलर जुड़े रह रहे हो, अब ये सारे क्वेश्चन रट जा रहे हैं कि नहीं, इतनी बार पढ़ा चुका आप लोगों को, देख लेना रेलवे के एग्जाम तक आपको 5-10 हजार रटा रहेगा, आप सोचोगे अरे सर ये तो पढ़ा दियो, अरे सर ये तो पढ़ा दियो, अरे भाई 5 से 10 बार एक एक क्वेश्चन पढ़ाऊंगा रेलवे का एग्जाम होने तक, और इस क्वेश्चन का आंसर होगा सीरी माओ भंडार नायके, क्लियर है ना। कैसे हैं सर जी, ऋतिक कुमार जी हम तो मस्त हैं, आंसर दे दो तो और मस्त हो जाएंगे। ग्रीस के ओलंपिया शहर में पहला ओलंपिक हुआ, भैया 54 जी शंकर गुरु, बहुत बढ़िया, मनीष कुमार, लिप्सा, अवनीश, अखिलेश, न्यू वारस पटेल, चंद्रिमा मोंडाल, ज्योति प्रसाद, सुग्रीव, मुरारी जी, रोहित कुमार, भैया आंसर करो ग्रीस के ओलंपिक में, तो भैया 200 इसका कहां है, 776 BC। अगला क्वेश्चन, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन सी थी, बताओ जरा कौन सी थी, जापान की जुंको तबई, भारत की नहीं पूछा है, जापान की पूछा है, तो आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, चीन की महान दीवार तिवारी जी के द्वारा तो नहीं बनी थी, है हम लोग के एक स्टूडेंट भी है नेहा तिवारी जी, ठीक है, अंकित आर्या बताना चीन की महान दीवार, यार ये तुम लोगों के लिए मुझे जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है क्योंकि जीएस रैपिड फायर है, लेक्चर लेने के बाद ईमानदारी से बता रहा हूं मेरे गले का क्या हाल होता है मैं ही जानता हूं, यहां से उठने के बाद पहले गर्म पानी पीना पड़ता है, गले को कुछ देर एकदम शांत रखना पड़ता है दोस्त, मेहनत होती है दोस्त ये रैपिड फायर लेने में। इस क्वेश्चन का आंसर 215 होगा, लेकिन वो मेहनत सफल हो जाए जिस दिन तुम लोग का रेलवे निकल जाए, सेना का मुख्यालय स्थित है, रेलवे निकाल दो, एसएससी निकाल दो भैया मेरी मेहनत सफल, सेना का मुख्यालय स्थित है, सेना का मुख्यालय नई दिल्ली, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहां स्थित है, निश्चित तौर पे वियना में स्थित है, निश्चित तौर पे वियना में स्थित है।
तो चलिएगा अगला क्वेश्चन। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय कहाँ है? हम लोगों ने अभी पढ़ा था आईसीजे का मुख्यालय हेग में है। आईसीजे का मुख्यालय हेग में है। 15 जज होते हैं, 9 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला क्वेश्चन, हिमालय पर्वतारोहण संस्थान में स्थित है। हिमालय पर्वतारोहण संस्थान कहां स्थित है भाई, जरा बताइएगा। तो जो हिमालय पर्वतारोहण संस्थान है वो कहां है, एकदम याद रखना दोस्त। 62वें क्वेश्चन का उत्तर काशी कहीं है, बिल्कुल यहां है। ठीक है, अगला, पर्यावरणीय समस्याओं का सामना कर रही लोकटक झील किस क्षेत्र में स्थित है? लोकटक तो भैया आसान है, सभी बता देंगे, मणिपुर में है। लोकटक निश्चित तौर पे कहां है दोस्त, मणिपुर में। अगला क्वेश्चन, मानव कंकाल में हड्डियों की संख्या, इतना बड़ा क्वेश्चन तो है नहीं कि 5 सेकंड से ज्यादा इस पे आप लगाएंगे, तो आप कहेंगे सर 206, हम कहेंगे लो बेटा 65वां क्वेश्चन आ गया मेरे दोस्त। पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट वैमानिक विकास प्रतिष्ठान बेंगलोर में निर्मित है। जो पायलटलेस टारगेट एयरक्राफ्ट है उसका नाम क्या है, बस दोस्त क्वेश्चन इतना ही है। तो दोस्त उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपके लक्ष्य। क्लियर है, लक्ष्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हाँ 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 ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो उत्तर काशी चलिएगा अगला। देखो भाई जल्दी जल्दी बोलने में एक आध क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो जाए तो क्षमा कर देना, ठीक है ना, मैं भी इंसान हूं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, 1997 बुकर पुरस्कार के लिए अरुंधति राय की पुरस्कार विजेता बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। कुछ ऐसे दोस्त होते हैं 100 में से 98-99 क्वेश्चन सही बताओ उसका वो कोई वैल्यू नहीं। अगर गलती से एक दिन निकल गया तो कमेंट मुझे, एक क्वेश्चन मान लो मैं बताते बताते जल्दी से गलत बता दिया, मुंह से निकल गया, गलत नहीं बताया मुंह से निकल गया। अब वो जानते हो कमेंट कैसा कैसा आता है, मास्टर पहले पढ़ाना तो सीख ले, मास्टर तुझे जीएस आता ही नहीं है, क्यों बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो, तुम्हारे जैसा गधा टीचर तो देखा ही नहीं। भाई ये मैं कमेंट पढ़ता हूं, 100 में 99 सही पढ़ा दो, एक गलत मुंह से निकल जाता है तो कमेंट मुझे यही मिलते हैं। क्लियर है ना, कोई बात नहीं, इसको भी, इट इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग दोस्त, इट इज अ पार्ट ऑफ टीचिंग, नथिंग एल्स। भाई YouTube का जमाना है, पीठ पीछे आप कुछ भी कह सकते हो, दो चार लोग कह के चले जाओ, सामने मिलते तो हम भी आंसर करते। जिस वैज्ञानिक ने पता लगाया कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है, तो भैया उसका नाम क्या है, कौन वैज्ञानिक पता लगा लिए भाई, हमको भी उनसे मिला लो, तो उन वैज्ञानिक का नाम क्या है, कॉपरनिकस। अगला क्वेश्चन, ठीक है अगला क्वेश्चन ये रहा, किस बैंक की अधिकतम शाखाएं हैं, दिए गए ऑप्शंस के हिसाब से, SBI कहीं है अपना, यस SBI है, तो SBI की अधिकतम शाखाएं हैं। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन ये, दुश्मन के हवाई हमलों के खिलाफ तेल क्षेत्र आदि जैसे बड़े प्रतिष्ठानों की रक्षा के लिए किस मिसाइल को डिजाइन किया गया। क्वेश्चन बहुत ध्यान बोलता है ऐसा बात, ठीक है क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो दोस्त, क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ो। 69वें क्वेश्चन का दोस्त नाम होगा आकाश। क्लियर है ना, आकाश इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, मधुमेह से पीड़ित व्यक्ति को निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है। इतनी बार पढ़े हो दोस्त कि रुकने की जरूरत नहीं है, इंसुलिन टिक करना है और आगे बढ़ जाना है कि नहीं मेरे दोस्तों। चलिएगा, तो तमन्ना मिस्त्री जी, पप्पू, अंकित आर्या, हाँ यार दोस्त संडे आराम की बात कर रहा हूं मैं तो, कल रक्षाबंधन को भी कल रात 8 बजे क्लास लेने वाला हूं, कल रात 8 बजे, क्योंकि देखो कल रात 8 बजे मेरी क्लास है, याद रखना कल सुबह की क्लास नहीं है, 11 बजे वाली कल क्लास नहीं है, लेकिन कल मैं 8 बजे नहीं है, 7:15 ही है, 7:15 ये क्लास है मेरी, ठीक है ना, ये क्लास है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल दागो और भूल जाओ प्रकार के, जरा इसका इंग्लिश वाले से आंसर करना, हिंदी वाले से आंसर मत करना, इंग्लिश वाले से आंसर करना। हम लोग अभी बात किए थे नाग, जो कि एक एंटी टैंक मिसाइल है, कैसी मिसाइल है, एंटी टैंक मिसाइल है, दागो और भूल जाओ प्रकार की है। क्लियर है ना, अगला क्वेश्चन, दुनिया में सबसे पुराना मुद्रित कार्य जो 868 में हुआ, बताओ दोस्त क्या इसका सही आंसर होगा। गरिमा श्रीवास्तव जी, मैंने आपकी ऑफलाइन क्लास की है, मस्त पढ़ाते हो आप, ओके थैंक यू गरिमा श्रीवास्तव जी। अगला बताइए इसका आंसर क्या होगा। सर रहने दीजिए कल, अरे दोस्त ठीक है मैं देखूंगा। दुनिया में सबसे पुराना मुद्रित कार्य जो 868 में हुआ उसका नाम है हीरक सूत्र। भैया बाइबिल ओबिल टिक करके गलत मत कर देना। अगला, दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, भाई एकदम बात सही है, जो संस्कृत महाकाव्य द्वारा लिखा गया, ये जो संस्कृत में लिखा गया महाकाव्य महाभारत है ये किसके द्वारा लिखा गया भैया, तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन,
जिनको हम लोग क्या कहते हैं, वेद व्यास। क्लियर है ना, वेद व्यास के द्वारा। चलो अगला क्वेश्चन, गीतांजलि पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? जीएस का रैपिड फायर चल रहा है, क्वेश्चन तेजी से आएंगे। क्लियर है ना, गीतांजलि भैया, गीतांजलि रविंद्रनाथ टैगोर। गीतांजलि कौन लिखा? सर रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, 1000 होना है, लेट्स डू इट। ठीक है, थैंक यू सोनम जी। अगला क्वेश्चन, पुस्तक ऑल वेल्स दैट एंड्स वेल द्वारा लिखी गई है, बड़ी फेमस पुस्तक है दोस्त। इसको एनटीपीसी ने आपके एग्जाम में 6 बार पूछा हुआ है, 6 बार पूछा हुआ है, पुस्तक ऑल वेल दैट एंड्स वेल। तो भैया इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 75वें क्वेश्चन का? विलियम शेक्सपियर। क्लियर है ना। अच्छा, भारत का शेक्सपियर कालिदास को कहा जाता है, यह बात भी आपको याद रखना है। क्या एक बार ऐसा किया जाए कि शिवम पांडे एक बार, यार अगर संडे को भी मेहनत कर रहा हूं, त्योहारों के दिन भी आपके साथ लगा हुआ हूं, तो एक बार शेयर बनता है कि नहीं, और एक बार लाइक। दोस्तों मेरा रिक्वेस्ट है आपसे, एक बार शेयर करो और एक बार लाइक करो प्लीज माय डियर। अगला क्वेश्चन, आईने अकबरी और अकबरनामा, ठीक है ना, इसको आईने अकबरी लिखिए, आईने अकबरी। आईने अकबरी और अकबरनामा के लेखक हैं। एक्चुअली दोस्त आईने अकबरी के ही आखिरी हिस्से को अकबरनामा कहा जाता है, आखिरी के कुछ हिस्सों को अकबरनामा कहा जाता है। और इसके लिखने वाले कौन है भैया? तो इसको लिखने वाले आपके अबुल फजल, फैजी नहीं, अबुल फजल। क्लियर है ना, हिंदी से इसका आंसर करना, अबुल फजल। ठीक है ना, अबुल फजल जी है इसको लिखने वाले। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आए उससे पहले शेयर मार दो। ठीक है, कल छुट्टी दीजिएगा, ऋतिक कुमार छुट्टी दे दूंगा दोस्त, शेयर कर दो आप लोग। क्लियर है, बिल्कुल छुट्टी दे दूंगा कल आप लोग को। अगला, उत्पत्ति हिंदी में गलत है, हिंदी में गलत है, अंग्रेजी में सही है। ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत किसने दिया था, मतलब कब दिया गया? ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, जरा बताओ दोस्त, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज का सिद्धांत कब और किसने दिया था? तो एक बात याद रखना, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज 1859 में। ठीक है ना, इनकी बुक थी थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, रॉबर्ट हुक की जो बुक है उसमें ये सारी चीजें रही, थियरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन। अगला, त्रिशूल है भैया, एक मिसाइल है त्रिशूल, सभी को याद होगा, सराय ऑफ लालेडी एंड शेयर, बहुत बढ़िया शिवम पांडे। त्रिशूल है हरियाणा से हो क्या, बहुत बढ़िया, नाम ही ऐसा रखे हो यार, लफंगा सिंह यादव, मैं क्या तुम्हारा नाम लू। 78वां क्वेश्चन जो है इसका सी ऑप्शन सही होगा, 78वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, ले मोंडे का समाचार पत्र है, ऐसा क्वेश्चन आएगा दिमाग हैंग हो जाएगा, लल्लन टॉप कहीं और पहुंच गया। 79वें क्वेश्चन का मैं बताऊंगा, पेरिस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्या? पेरिस। ठीक है ना, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन ये रहा, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने खोज की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेंसिलिन की खोज की, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किसकी खोज की? बिल्कुल भैया, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं ये SSC, NTPC, CPO, CHSL, इन सब को ध्यान में रख करके पढ़ा रहा हूं आज का शो। ये चारों एग्जाम आपके, चाहे आप स्टेनोग्राफर दे रहे हो या आप दिल्ली पुलिस, UPP, उत्तर प्रदेश पुलिस या दिल्ली पुलिस, कहीं का भी एग्जाम दो यार, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। अगला, अलेक्जेंडर, इसका तो आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन, अल्फ्रेड नोबेल किसके आविष्कार से जुड़े हैं, बताइएगा जरा। अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल डायनमो नहीं, डायनामाइट, किसके? डायनामाइट के आविष्कार से जुड़े हैं, डायनामाइट। क्लियर है ना, डायनामाइट। इतना सेंस करके आंसर कर दिया करो दोस्त प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स। अगला क्वेश्चन, हिरोशिमा और नागासाकी पर एटम बम कब गिराया गया था? क्वेश्चन आसान है अब एक बार, ठीक है, एनर्जी आपके पास, यू आर हार्ड वर्किंग। दीप्ति सिंह जी, अब मेरे पास कितनी एनर्जी है और आपने इस चीज की जिक्र किया है, तो मैं बता दूं कि लेक्चर लेने से पहले मुझे नींबू पानी, चीनी पानी पीड़ा, क्योंकि मुझे चक्कर सा आ रहा था। आज शाम 5 बजे की क्लास में मेरा सर बहुत तेज घूम रहा था, जब मैं 5 बजे दूसरे चैनल पे क्लास ले रहा था, लेकिन वादा था आप लोग से कि मैं आप लोग के साथ आऊंगा पढ़ाने के लिए, तो आना था। मैंने अभी आपके लेक्चर से पहले, ईमानदारी से कहूं तो, अपने मैनेजर सर को फोन किया कि सर आज 8 बजे का लेक्चर मैं 20 मिनट में छोड़ दूंगा। सर ने भी कहा छोड़ देना, लेकिन यार एक वादा होता है, कुछ अपने अंदर भी जोश, ठीक है ना, पढ़ाने के बाद चुपचाप बेड पे लेट जाऊंगा और लंबी सांसें खींच लूंगा, शायद आराम मिल जाएगा, लेकिन अभी तो अपनी एनर्जी को मेंटेन करूंगा। आंसर करिएगा दोस्तों, भैया 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945, 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945। अगला क्वेश्चन, भारतीय जनता पार्टी जो काफी चर्चा में है उसका क्या है, ठीक है,
आशा सिंह रैपिड फायर डेली नहीं हो सकता, इतनी एनर्जी डेली नहीं है। संडे को शाम 8 बजे रैपिड फायर होता है। 1980 में जनसंघ से अलग होकर के अटल बिहारी वाजपेयी जी और इन लोगों ने इसकी स्थापना की। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन आपके पास ये रहा, ठीक है? तो अगला क्वेश्चन, सर बहुत इंस्पायर होते हैं आपसे, थैंक यू आशा शुक्ला जी, तो सब मुमकिन है। दोस्त देवधर ट्रॉफी किसके साथ जुड़ा है? देवधर ट्रॉफी भैया शेयर एक बार कर दो, शेयर भैया जानते हो क्रिकेट के साथ देवधर ट्रॉफी जुड़ा हुआ है, क्रिकेट के साथ। फुटबॉल, फुटबॉल का फुटबॉल के साथ कोलंबो कप, कॉन्फेडरेशन कप, डुरंड कप, रोवर्स कप, ये सब फुटबॉल के खेल है। हॉकी के साथ भैया आगा खां कप, नेहरू ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, ध्यानचंद ट्रॉफी, ये सब हॉकी के साथ है। बास्केटबॉल में कितने प्लेयर खेलते हैं? 5 प्लेयर खेलते हैं। क्लियर है? चलेगा अगला क्वेश्चन, डुरंड कप के साथ जुड़ा हुआ है, डुरंड कप, तो भैया बताइएगा डुरंड कप किसके साथ जुड़ा हुआ है? आपके 85वें क्वेश्चन का आंसर है फुटबॉल। क्लियर है? 85वें क्वेश्चन का आंसर है फुटबॉल। अगला क्वेश्चन, सबसे तेज आंसू लिपिक लेखक थे, बताइएगा दोस्त सबसे तेज आंसू लिपिक लेखक कौन थे? तो एकदम याद रखिएगा डॉक्टर जी डी बिस्ट, डॉक्टर रैपिड फायर है, तेजी से आंसर करिएगा। विकास बिश्नोई जी, मुरारी डांगी कॉम्पिटिटिव क्लासेस जी, सरिता, प्रदीप, दीप्ति, श्रुति पंडित, गौरव सिंह भारद्वाज, शेयर कर लो दोस्त। भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र स्थापित किया गया था, कहां स्थापित किया गया था भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र? तो भैया एक बात याद रखिएगा, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा केंद्र जो स्थापित किया गया था तारापुर, तारापुर कहां पड़ता है? महाराष्ट्र में, तारापुर महाराष्ट्र में, ठीक है। रैपिड फायर का अगला क्वेश्चन, भारत का पहला उपग्रह किसके नाम पर है? पहला उपग्रह, भैया रट गया होगा, 5 सेकंड का भी समय नहीं लगना चाहिए आपको यह कहने में कि आशुतोष सर आंसर आर्यभट्ट है, आप अगले क्वेश्चन पे पहुंचिए, हम सब तैयार हैं। अगला क्वेश्चन, ईरानी ट्रॉफी निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ा है? ईरानी ट्रॉफी, तो भैया अगर ईरानी ट्रॉफी की बात करोगे तो भैया बहुत आसान आंसर है गुरुजी कि ईरानी ट्रॉफी तो क्रिकेट से ही जुड़ा हुआ है, ईरानी ट्रॉफी क्रिकेट से। अगला क्वेश्चन, तिब्बत का ल्हासा हवाई अड्डा विश्व का क्या है? सबसे बड़ा हवाई अड्डा है, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है, सबसे नीचा हवाई अड्डा है, या सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है? बताइएगा दोस्तों इसका सही आंसर क्या होगा। प्लीज आंसर करिएगा भाई, इस क्वेश्चन का आंसर है हाईएस्ट एयरपोर्ट, सबसे ऊंचा हवाई अड्डा है। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पे आने जा रहा है, तेजी से जुड़ के इसका आंसर करना। ये रहा राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनियोग्राफी इज लोकेटेड एट, सच बताओ तो थोड़े थोड़े चक्कर आने की वजह से नींबू नमक पानी पीना पड़ रहा है चीनी डाल करके, लेकिन ये सेशन तो कंप्लीट कर दूंगा, इसमें तो कोई दो राय ही नहीं है, पड़जी दोस्त। क्लियर है ना? क्योंकि वो नींबू नमक पानी और चीनी डाल लो तो ग्लूकोज का काम कर जाता है ना, साइंस पढ़ाता हो तो इतना तो पता है। क्लियर है ना? अगला क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी ये किसकी वजह से होता है? तो ये होता है बानवे का बी, पक्षियों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन। क्लियर है दोस्त? ऑस्टियोलॉजी हड्डियों का अध्ययन होता है, ठीक है ना, बुरी बदबू को तो हम लोग स्टेग्नेंट कहते हैं। अगला क्वेश्चन, ठीक है अगला क्वेश्चन ये रहा, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य भारत में पहला बन गया है जहां शादी से पहले एचआईवी एड्स परीक्षण अनिवार्य है? ठीक है बताओ दोस्त कौन सा? गौरव मेरे भाई बस आप लोग शेयर कर दो यार एक बार, मेरी एनर्जी आपके लिए हमेशा बराबर रहेगी। इसका आंसर भैया आंसर है आपका कर्नाटक। कर्नाटक ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने क्या किया है, एड्स परीक्षण, एचआईवी परीक्षण अनिवार्य कर दिया है। अगला क्वेश्चन, सारनाथ स्तूप, सारनाथ तो आप जानते हो गौतम बुद्ध से जुड़ी हुई चीज है, यहां इनके अवशेषों को, अस्थि अवशेषों को रखा गया है, कहां पे स्थित है? भैया ये तो मेरे घर वाराणसी के पास स्थित है। क्लियर है ना? वाराणसी में है सारनाथ, रेलवे स्टेशन से 20-25 किलोमीटर पड़ता है, करीब 45 रुपए किराया लगता है और 40 मिनट लगातार में आप पहुंच जाओगे। क्लियर है ना? ये मेरे घर स्थित है, मैं कहां का हूं, मेरा घर, ठीक है, मेरा घर वाराणसी, मतलब आई एम छोरा गंगा किनारे वाला। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा, भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, जय हिंद उमंग जी, चलिए आंसर करिएगा, आंसर करिए आर प्रताप, शशिबाला, सोनिया, हरिओम, सुग्रीव, नितिन, आंसर करो भूकंपों के अध्ययन के रूप क्या कहते हैं। भाई देखो जीएस का रैपिड फायर है, इसलिए कोई बुरा मत मानना कि सर इतना तेज क्यों पढ़ा रहे हो, रैपिड फायर का मतलब ही होता है तेज,
भूकंपों के अध्ययन के रूप में जाना जाता है, निश्चित तौर पे दोस्त सेस्मियोलॉजी, सेस्मियोलॉजी जाना जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्लैक फ्लैग दर्शाता है, ब्लैक फ्लैग, अब अगर ब्लैक फ्लैग की बात करें दोस्त, तो जो ब्लैक फ्लैग होता है ना, वो प्रोटेस्ट या फिर विरोध को दर्शाता है, क्लियर है ना, विरोध को दर्शाता है, ठीक है, बिल्कुल दोस्त। अगला क्वेश्चन, 2012 के ओलंपिक खेलों का आयोजन होने वाला है, भैया 12 हुआ है, ये आयोजन हुआ था, आंसर ऐसे होना चाहिए, हुआ था, कहां हुआ था 2012 के ओलंपिक खेलों का, ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना, पुराना क्वेश्चन है, इसको रैपिड फायर से निगलेक्ट किया जाए। अगला क्वेश्चन, सेना की मध्य कमान स्थित है, अब सेना की कमान पूछ रहा है भैया, वो भी मिडिल कमांड, सेंट्रल कमांड, उत्तर प्रदेश में स्थित है, लखनऊ में स्थित है, उत्तर प्रदेश से लखनऊ में स्थित है, चलिएगा दोस्त। अगला क्वेश्चन, पहला एशियाई खेल 1951 में आयोजित किया गया था, कहां आयोजित किया गया था, बहुत ध्यान से बताना दोस्तों, और देखो अब हम लोग 100 क्वेश्चन के पास पहुंचने वाले हैं और अभी भी 1000 स्टूडेंट नहीं हुए हैं, कोशिश तो कर सकते हैं मेरे नए दोस्तों, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लो यार, मैं डेली सुबह 11 बजे और सोमवार से शनिवार तक 7:15 बजे 2 क्लासेस डेली लेता हूं, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, नई दिल्ली भारत, नई दिल्ली भारत। अगला, 1969 में दिया गया पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त हुआ था, किसको प्राप्त हुआ था भैया पहला दादा साहब फाल्के पुरस्कार, अब जरा बताइएगा किसको प्राप्त हुआ था दादा साहब फाल्के पुरस्कार, जो पहला वाला था वो किसको प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो पहला पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो प्राप्त हुआ था भैया आपके देविका रानी, दादा साहब फाल्के, ठीक है, देविका रानी। अगले क्वेश्चन पे जाते हैं, कितना क्वेश्चन है सर जी, भैया अभी क्वेश्चन बहुत है, कम से कम 25-50 क्वेश्चन तो और है, शेयर कर दो, शेयर कर दो दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन, कैला माइन है, भैया साइंस का क्वेश्चन आ गया, अब साइंस वाला तो भैया बहुत जरूरी होता है किसी एग्जाम के लिए, तो कैलामाइन जिंक ऑक्साइड को कहते हैं, कैलामाइन जिंक ऑक्साइड। अगला, भारी पानी को भारी इसलिए कहा जाता है, जो हैवी वाटर होता है दोस्त, जिसको हम लोग D2O कहते हैं, वो क्या होता है बताइएगा, एक बार लाइक भैया कर दो, एक बार लाइक पहुंचा दो, और साथ ही साथ दोस्त एक बार आपको शेयर भी तो करना है, एक बार आपको शेयर भी करना है, लाइक भी करना है, क्लियर है ना, तो शेयर और लाइक की संख्या बढ़ाते रहिएगा, और इट हैज अ हैवियर आइसोटोप, क्लियर है, इट हैज अ हैवियर आइसोटोप, क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन दोस्त आपके स्क्रीन पे ये रहा, मार्स गैस जो होती है दोस्त वो क्या होती है, भैया एक गैस होती है मेथेन, मेथेन को ही तो कहते हैं मार्स गैस, तो मेथेन मतलब CH4, मतलब इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। अच्छा, GS का रैपिड फायर चल रहा है, जो दोस्त लेट में जुड़े हो ये ना सोचेंगे कि अरे आज तो सर बड़ा जल्दी हो रहा है, नहीं दोस्त जल्दी नहीं हो रहा है, बस एक कोशिश चल रही है। अगला, दूध को पाश्चुरीकृत किया जा सकता है, दूध को पाश्चुरीकृत किससे किया जा सकता है, तो भैया मतलब कैसे क्या क्यों किया जाता है, तो डिस्ट्रॉय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, क्लियर है ना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को, मोहम्मद आसफ बड़ा देर आए दोस्त। चलो अगला क्वेश्चन, सिंदूर हिंदुओं के लिए पवित्र सामग्री है, भाई है एकदम है, सिंदूर का एक यौगिक है, सिंदूर किसका एक कंपाउंड होता है ये आपको बताना है, तो मैं बताऊं कि जो सिंदूर होता है दोस्त वो आपके किसका एक कंपाउंड होता है, तो बताइएगा 105वें क्वेश्चन का आंसर, 105वें क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ठीक है, तो भैया लेड, क्लियर है ना, लेड का होता है। अगला क्वेश्चन, पानी की अस्थायी कठोरता किसकी उपस्थिति कारण होती है, तो कैल्शियम बाई कार्बोनेट के कारण, ठीक है चलेगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, मनुष्य द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु थी, भैया यहां हम लोग अक्सर पढ़ते हैं कि पहली धातु कौन सी थी, क्या था, किस तरीके का था, तो मनुष्य के द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली पहली धातु कौन सी हुई है भैया, तो कॉपर, तांबा उपयोग हुआ है, पहला हथियार कुल्हाड़ी उपयोग हुआ है, पहला पालतू बनाया गया जानवर कुत्ता है, डॉग है, सबसे प्राचीन वैदिक देवता धौ को कहते हैं, जिन्हें आकाश का देवता कहा जाता है। अगला, रेड क्रॉस की अंतरराष्ट्रीय समिति के संस्थापक हैं, आसान क्वेश्चन है, हेनरी ड्यूनेट। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस रक्त समूह के व्यक्ति को सार्वभौमिक दाता कहा जाता है, सार्वभौमिक कौन है भैया, जो सबको दे दे, सबको ब्लड देने वाला, वो यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्सल एक्सेप्टर, ए भी है। अगला क्वेश्चन भाई, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्लियर है ना, सब्सक्राइब करना चैनल को बहुत जरूरी है दोस्त, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल,
और आपके सिलेक्शन की गारंटी मैं लेता हूं यदि आप सोमवार सुबह 11 बजे सोमवार से शनिवार और शाम 7 बजे मेरे साथ जुड़ते हैं। क्लियर है? चंद्रभान पटेल जी, जीएस का रैपिड फायर चल रहा है यार, इसलिए मैं तेज पढ़ा रहा हूं, समझ रहे हो ना? रैपिड फायर का मतलब ही तेज होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है भैया? तो मिट्टी में वायुमंडल में कौन तय करता है? तो पल्सेस, दलहनी फसलें। क्लियर है? अगला, किसकी उपस्थिति के कारण शरीर के अंदर रक्त नहीं जमा होता है? किसकी उपस्थिति के कारण? तो भैया आपको पता होगा हीपेरिन एक ऐसी चीज होती है जिसके कारण शरीर के अंदर रक्त का क्लॉटिंग नहीं होता। विटामिन के क्लॉटिंग ऑफ ब्लड में मददगार होता है, सभी को पता होगा। क्लियर है ना? विटामिन के। अगला क्वेश्चन दोस्त, अगला, कैंसर में भी चेक एट इट अर्ली स्टेज, अगर हम कैंसर को उसके प्रारंभिक चरण में चेक करना चाहें तो कैसे, किस मेथड से? बताइएगा जरा, किस मेथड से चेक कर पाएंगे भाई? एक बार लाइक पहुंचा दीजिए आप लोग, एक बार लाइक 800 प्लस हो जाना चाहिए, ठीक है ना? तो इसका आंसर करो, इसके भैया आंसर हो जाएगा आपका ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है ना? सर्जरी, रेडियोथेरेपी, प्राइमरी कैंसर की जांच की जा सकती है, तीनों मेथड से कैंसर की जांच हो सकती है। क्लियर है? बी सिर्फ नहीं, रेडियोथेरेपी की तीनों मेथड से जांच हो सकती है। विली विली उष्ण कटिबंधी घूमने वाला तूफान है। विली विली जब भी नाम आए ना तो एक नाम याद रखना कि ऑस्ट्रेलिया जरूर याद रखना, ऑस्ट्रेलिया में बहने वाली यह गर्म हवा है, डी ऑप्शन है, एकदम करेक्ट है। क्लियर है ना? एकदम करेक्ट है। अगला, निम्नलिखित सभी ग्रहों को केवल एक टेलीस्कोप के माध्यम से देखा जा सकता है सिवाय, मतलब चार ग्रह में से एक ग्रह ऐसा है जिसको हम लोग टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं। अब जरा बताइएगा किसको टेलीस्कोप से नहीं देख सकते हैं? आंसर याद आया? 114वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन, वीनस। वीनस को टेलीस्कोप के माध्यम से नहीं देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आने वाला है, एक बार लाइक करके आगे बढ़ो, जो लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लें। अरावली प्रणाली से संबंधित है। तो भैया अरावली तो विश्व की सबसे ज्यादा प्राचीन पर्वतमाला है और ये फोल्डेड माउंटेन से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो अरावली जो है दोस्त 115वें का फोल्डेड माउंटेन है और आप इसका आंसर करिएगा। क्लियर है ना? क्योंकि मैं ये चार पांच बार बताया और मैं जानता हूं तुम लोग गलत करने वाले हो इसको। क्लियर है ना? तो सबसे प्राचीन है, फोल्डेड माउंटेन का एग्जांपल है। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं किस युग से है, आंसर जरूर करिएगा। अगला, बादल फटने का मतलब है, बादल फटने का मतलब होता है एब्रप्टली हैवी डाउन पावर ऑफ रेन एसोसिएटेड विद थंडर स्टॉर्म, डी ऑप्शन। क्लियर है ना? इसका क्या सही होगा? डी ऑप्शन करेक्ट होगा। बस 5-10 और क्वेश्चन, आज का काम खत्म। दक्षिणी गंगोत्री है, दक्षिणी गंगोत्री ये इंडियन रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में, इंडियन रिसर्च स्टेशन है अंटार्कटिका में। अगला क्वेश्चन दोस्त, एल नीनो क्या होता है? द नेम गिवेन टू द डेवलपमेंट ऑफ वार्म सरफेस वाटर इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशियन इन द पेरू कोस्ट। ये लोगों को याद नहीं होगा, मैं याद दिला दे रहा हूं, ठीक है, मैं याद दिला दे रहा हूं। अभी भी 800 नहीं हुआ लाइक, भैया लाइक तो आप लोग 800 पहुंचा लो। लंदन 0 डिग्री पर स्थित है, जबकि बगदाद 45 डिग्री पूर्व में। यदि सुबह 10 बजे लंदन से कोई समाचार प्रकाशित होता है तो बगदाद में किस समय सुनाई देगा? ऐसा क्वेश्चन रेलवे में एक कंफर्म रहता है, एक क्वेश्चन कंफर्म रहता है ऐसा क्वेश्चन। तो भैया बताइएगा इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? याद रखना करेक्ट दोपहर में 1 बजे, करेक्ट दोपहर में 1 बजे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दोस्त ये रहा, पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र स्थित है। बिल्कुल बताइएगा पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र कहां, जानना बहुत जरूरी है, पाकिस्तान का परमाणु संयंत्र है भैया। तो पाकिस्तान का जो परमाणु संयंत्र है वो आपके कहां स्थित है? तो कराची में। क्लियर है ना? कराची में स्थित है, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर करते हैं। सोरा की संसद का नाम है, सोरा कहां की संसद का नाम है? हमारे पड़ोसी देश अफगानिस्तान, ठीक है, पड़ोसी देश अफगानिस्तान। चंद्रभान पटेल जी, मेरी तबीयत सही हो जाएगी दोस्त, मुझे तबीयत मेरी नहीं खराब है, थोड़ा सर घूम रहा था और तबीयत उबियत तो मेरी एकदम सही चल रही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, किस देश को विश्व का चीनी का कटोरा कहा जाता है? विश्व में किस देश को? देखो जीएस का रैपिड फायर है दोस्त, इसलिए पूरी एनर्जी लगा के तेजी से पढ़ा रहा हूं भैया, क्यूबा को। क्लियर है ना? क्यूबा को कहा जाता है, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्यूबा हो जाएगा, ठीक है। अगला, पृथ्वी से देखा जाने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो भैया सबसे चमकीला ग्रह वीनस है, शुक्र है कि शुक्र है ये, क्लियर है ना? शुक्र है कि शुक्र है। 30 लाइक और दूर है हम लोग 800 से,
तो ये 30 लाइक कौन करके भैया कर देगा, अब तो शायद 22 ही दूर है, तो 22 लाइक और मात्र दो क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन पढ़ा के रोक दूंगा, दो क्वेश्चन में दोस्त 22 लाइक की दरकरार है, पूरा करिए। विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला कौन सी है? विश्व की सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला दोस्त आपकी हिमालय का काराकोरम, क्लियर है ना, इसी में तो माउंट एवरेस्ट भी स्थित है। सच बताऊं दोस्त तो ये जो सर थोड़ा थोड़ा ना मुझे मतलब महसूस हो रहा है जैसे मेरे लैपटॉप की स्क्रीन भी हल्की हल्की मूव कर रही हो, तो मुझे सही मायने में रोक देना चाहिए सेशन को, ठीक है। तो आशुतोष सिंह यार मैं बनारस से हूं, मैं सॉरी दोस्तों मैं यहीं पे सेशन को रोक दे रहा हूं क्योंकि थोड़ा मुझे मतलब अनकंफर्टेबल फील हो रहा है। तो आई होप आज के लिए 124 क्वेश्चन बहुत है, ठीक है, और हमारी आपकी मुलाकात होगी कल रात 8 बजे, अगर तबीयत सही रही दोस्तों, ईमानदार आपसे बात करते हो मुझे कोई संकोच नहीं होता है दोस्तों, कल रात 8 बजे आना, यदि दोस्त 1 मिनट के लिए चैनल पे आना, मेरी तबीयत सही रही ना तो कंफर्म क्लास लूंगा कल रात 8 बजे, और अभी तक वो डील है, ठीक है ना, अभी तक वो डील है कि वो मैं क्लास आपके लिए 8 बजे लूंगा, ठीक है ना। तो थैंक यू सो मच, और क्षमा करिएगा कि थोड़ा सा सर में प्रॉब्लम हो रही है इसलिए मैं शो को बीच में रोक रहा हूं, क्लियर है। तो थैंक यू सो मच दोस्त कि आप लोग मेरे साथ जुड़े और शो को आप लोगों ने अच्छे से किया, और आगे भी मेरे साथ जुड़े रहना यार। और देखो कल रक्षाबंधन है, सभी को एडवांस में हैप्पी रक्षाबंधन। मेरी तो कोई सिस्टर नहीं है ऐसी, मतलब मामा मौसी की तो बहुत सारी मेरी बहनें हैं लेकिन कोई सगी सिस्टर नहीं है। तो मैं आप लोग को विश करता हूं कि आप लोग अपने बहन के साथ कल इस त्योहार को अच्छे से मनाना, एनर्जेटिक होकर के मनाना, ठीक है ना, आप लोग एनर्जेटिक होकर के मनाना त्योहार को। हर त्योहार जीने के लिए आता है, ठीक है ना, हर त्योहार खुशी के लिए आता है, ठीक है, जीने के लिए आता है। और थैंक यू दोस्त आप लोग साथ रहे हमारे, सेशन को लाइक करना, जो मेरे नए दोस्त हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच माय डियर स्टूडेंट्स।